नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। इन दिनों प्रदेश भर में दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है, साथ ही सख्ती भी की जा रही है और जगह जगह वाहन चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा अर्थदंड और न्यायालयीन कार्रवाई भी जारी है। इसका असर भी अब खुलकर दिखने लगा है और अधिकांश दो पहिया वाहन चालक अब हेलमेट लगाए नजर आने लगे हैं। शुक्रवार की शाम रीवा शहर के बिछिया थाने की पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक साइकिल सवार व्यक्ति आया और वह हेलमेट लगाए हुए था। उसे रोककर जब पुलिसकर्मियों ने साइकिल में हेलमेट लगाकर चलने का कारण पूछा तो उसने कहा कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। तो उसने सोचा कि वह कहीं साइकिल वालों का भी चालान न कर दिया जाए और उसे कहीं पुलिस पकड़ न ले, क्योंकि वह पूर्व में कोरोना काल के दौरान पुलिस की सख्ती का शिकार हो चुका है। इस कारण अब वह किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता। यह सुनकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इस जागरूकता के लिए साइकिल सवार हेलमेट पहने युवक को शाबाशी दी। हम आपको बता दें, कुछ दिनों पूर्व इसी तरह का एक नजारा सीधी जिले में देखने को मिला था, जहां शहर में फेरी कर ठेले के माध्यम से सब्जी बेचने वाले युवक ने हेलमेट लगा रखा था। उसके बाद अब रीवा शहर में साइकिल सवार एक युवक हेलमेट लगाकर साइकिल चलाते नजर आया है। इसे पुलिस की सख्ती कहे या भय, पर युवा के जागरूकता की दाद देनी पड़ेगी। इसकी बहुत बड़ी सुरक्षा है, पुलिस भी बचाव है और अपने शरीर की भी। पुलिस के डर से लगाए हुए हैं? पुलिस के डर से नहीं है, तो ये है ना कि समय अभियान चल रहा है, इस वजह से लगाए हैं। आपका क्या नाम है? हमारा आर्मी बोलकर। अच्छा, तो साइकिल से चलते हैं हेलमेट लगा के? जी चलिए ठीक है।